যতনে থাকুক তোমার ইচ্ছেরা, পুষ্পা ফার্নিচার যত্নে থাকুক সবকিছু। অতুরাজ ডিলার, দ্য ফার্নিচার হাউস, কোচবিহার। আপনাদের বিশ্বস্ততায় স্বর্ণ শিল্পের শিল্পী দত্ত জুয়েলার্স, বিএস রোড, কোচবিহার। এম জি গার্মেন্টস, বিএস রোড, হোটেল যুবরাজ, কোচবিহার। हल्दीबारी एवं बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच ट्रेन इंजन के ट्रायल रन का साक्षी बने हजारों लोग। निकलीगंज महाकुम अस्पताल में एक चिकित्सक पर अवैध रूप से पैसा लेने के आरोप। एक व्यक्ति की लटकती हुई शव कालचीनी थाना की पुलिस ने बरामद की। गंगारामपुर में वधू की गला घोटकर हत्या करने का आरोप उसके ही पति पर लगा। कालचीनी प्रखंड के मालंगी ग्राम पंचायत में भाजपा ने ज्ञापन सौंपा। मिशन फार्मेसी का शुभारंभ पंचरंगी में गुरुवार हुआ। कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एम्बुलेंस देर से आने से लोगों ने नाराजगी जताई। बीएसएनएल का दफ्तर पुलिस की मदद से लगभग एक साल बाद खुला। कई मांगों के समर्थन में छोटे व्यापारियों ने सिलीगुड़ी महाकुमा शासक को ज्ञापन सौंपा। पानी में डूबने से मां एवं उसके बच्चे की मौत। लॉकडाउन के बाद सब्जी के दाम बढ़ने से लोग परेशान। भाजपा की जिला कमेटी के सदस्य अमल सरकार समेत 5 भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। सरकारी भाता प्रधान समेत कई मांगों के समर्थन में उत्तर बंगाल के कई न्याय के पेशे से जुड़े संगठन की तरफ से जलपाईगुड़ी के विभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य विद्युत शिल्प सहायक कर्मी यूनियन की तरफ से गुरुवार प्रदर्शन किया गया। भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा अनुमानों में प्रदर्शन कार्यसूची को माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र ने तृणमूल के साथ फ्रेंडली मैच बताया।